टॉर्सलीज थ्योरम क्या है इसको जरा ध्यान से देखना। आपने वेलोसिटी ऑफ एफ फ्लक्स निकालनी सीख ली। टॉर्सली कहता है काम करो, आपने जो वेलोसिटी ऑफ एफ फ्लक्स अभी निकाल ली उसमें कंटेनर ऊपर से ओपन था, ओपन का मतलब ऊपर एटमोस्फेरिक प्रेशर था। वो कहता है कंटेनर बंद कर दो, बंद कर दो, यहाँ पर पी प्रेशर रह गया, पता नहीं क्या प्रेशर पी है, अब निकालो वेलोसिटी ऑफ एफ फ्लक्स। तो अब ये जो पूरी थ्योरी गिवन है ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बस साइड पे एक लाइन लिख लो। वैसे तो आने का चांस बड़ा कम है इसका, बट अगर आ जाए तो कुछ ना करो, बस ये एक फिर से एक्स पॉइंट लो और वाई पॉइंट लो, तो बर्नौलीज लगाओ एक्स पे, पी एक्स बाय रो प्लस जी एच प्लस वी एक्स स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू पी ऑफ वाई बाय रो जी एच। ये लो एक्स और वाई पे लगा लो, पहले देख लो एक मिनट। उसके बाद एक्स पॉइंट पर यानी कि अंदर एक्स पॉइंट पर प्रेशर क्या बनेगा, ये एच हाइट पर है होल, तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू बोलो क्या लिखें, पी ऑफ एक्स बनेगा एच रो जी प्लस पी एटमोस्फेरिक नहीं पी, बस वैसे हमने किया था पी एटमोस्फेरिक, इसमें पी लिख देना, पोटेंशियल को देखना नहीं है, यहां की वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली जीरो, तो यहां पे पी ऑफ वाई क्या होगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर, कि वाई तो बाहर निकल गया ना हवा में, पी एटमोस्फेरिक। तो यहां से सॉल्व करके क्या निकाल लेने आपने, वी वाई आंसर। बस ये है टॉर्सलीज का तरीका, ये तो लंबा कर रहा है काम काफी, बस इतना ही लिख लो, सॉल्व करके वी ऑफ वाई तो निकाल लोगे, तो वेलोसिटी ऑफ एफ फ्लक्स होगी वो, तो ये वेलोसिटी ऑफ एफ फ्लक्स किस में आई, जब कंटेनर ऊपर से बंद है, दैट्स इट आंसर। बस ये शॉर्टकट लिख लो। आंसर जो निकलेगा फिर से देखो, आपने एक पॉइंट कहाँ पे लेना है, यहाँ लेना है, एक यहाँ लेना है, ठीक है, दो पॉइंट लेने हैं, तो आपने जो एक्स पॉइंट लिया और वाई पॉइंट पर बर्नौलीज लगा ली, एक्स पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, एच रो जी प्लस पी एटमोसफेयर नहीं पी, पुट कर दिया, जी एच कैंसल, अंदर वेलोसिटी वैसे ही जीरो, बाहर वाई पार्टिकल हवा में है तो पी एटमोस्फेरिक, जी एच तो गया, वी वाई निकाल लेना। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो जब आप सॉल्व करोगे ना तो ये आंसर आएगा, पी फॉर पी एटमोस्फेरिक है, पी एटमोस्फेरिक है। तो अब ये स्पेशल केस कहता है कि अगर मैंने इसको ना ढका होता तो पी ना होता, फिर ये भी पी एटमोस्फेरिक होता, और अगर ये भी पी एटमोस्फेरिक होता तो आपका आंसर वही आ जाता, अंडर रूट ऑफ क्या, टू जी एच। वो तो हमें पहले भी पता है रूट टू जी एच है, पर आपको क्लियर है टॉर्सली ने क्या किया। फिर टॉर्सली कहते हैं थ्योरम याद करो, मेरी जरूरत नहीं है थ्योरम याद करने की। टॉर्सली कहता है कि ऐसा लगता है कि वेलोसिटी ऑफ एफ फ्लक्स का फॉर्मूला देख के, अंडर रूट ऑफ टू जी एच है, जैसे कोई बॉडी एच हाइट से फ्री फॉल कर रही है, काइनेमेटिक्स में फ्री फॉल कर रही है,
और जो वो वेलोसिटी एक्वायर करती है फ्री फॉल में एच डिस्टेंस पे रूट टू जी एच, वही वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स है। तो देखो थ्योरम क्या कह रही है, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स ऑफ अ लिक्विड थ्रू एन ओरिफिस इक्वल टू विच अ बॉडी वुड एक्वायर इन फॉलिंग फ्रीली थ्रू अ डिस्टेंस इक्वल टू डेप्थ ऑफ द ओरिफिस बिलो द फ्री सर्फेस। वो तो हमें भी पता है कि अगर आप वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स का फॉर्मूला देखा देखा लग रहा है रूट टू जी एच, जैसे कोई बॉडी फ्री फॉल करती है वो वेलोसिटी सेम एक्वायर करती है रूट टू जी एच, वही वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स है।